नमस्कार किसान भाइयों, आपका एक बार फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल भारतीय फार्मर में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि वायरस को कैसे कंट्रोल किया जाए करेले की खेती में, यानी कि करेला जो होता है उसमें वायरस आ जाता है, थ्रिप्स की वजह से वायरस आता है, आप सभी जानते हैं। तो कुल मिलाकर थ्रिप्स को कैसे कंट्रोल किया जाए आज हम उस बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बिना कुछ देरी किए दवाई का नाम बताता हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण ने बहुत सारे किसान भाई से मैंने कांटेक्ट किया और उनसे पूछा तो उनके खेत में तो रिजल्ट बहुत ही अच्छा देखने को मिला है। इस दवाई का नाम बेरिक्स है, बेरिक्स कंट्रोल के नाम से ये दवाई आती है और इस दवाई से वायरस बहुत ही हद तक ठीक हो चुका है करेला में। और उन्होंने दो तीन चीज़ें और करी है, ना कि केवल केवल बेरिक्स कंट्रोल से ही ठीक नहीं हुआ है, दो तीन चीज़ें और करी थी और उन सारी दवाइयों के नाम मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला तो हो गया हमारा बेरिक्स कंट्रोल। सबसे हम जैसे करेला की खेती करते तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले किसान भाइयों ने क्या करा कि जो फसल है वो फसल चक्र का यूज़ किया। जहाँ पर करेले की खेती उन्होंने पिछली बार करी थी वहाँ से बदल कर उन्होंने दूसरी जगह पर करी। और उसके बाद दूसरी चीज़ उन्होंने करी कि जितने भी बीजों का उन्होंने यूज़ किया था वो सब कार्बेंडिजम से उपचार करने के बाद ही उपयोग में लाए। तीसरी चीज़ उन्होंने ये करी कि जैविक खाद का उपयोग उन्होंने ज़्यादातर किया। उसके बाद चौथी चीज़ बेरिक्स कंट्रोल जो बहुत ही अच्छी साबित हुई है करेला में वायरस को रोकने के लिए। और आपको मैं बता देता हूँ कि उन्होंने दो या तीन दवाई का यूज़ और किया था। एक तो हमारा कॉन्फिडोर हो गया जो मिर्ची में भी और टमाटर में जो यूज़ किया जाता वो वाली दवाई ही उन्होंने इसमें भी यूज़ करी है। और एक अभी नई दवाई आई है जिसका नाम है टाइची, जिसने मिर्ची में वायरस को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई है, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। अगर आपको उस टाइची भी अगर आप चाहें तो किसी से सलाह लेकर अपने करेला में यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप यूज़ मत कीजिएगा। क्योंकि वो मिर्ची के लिए दवाई आई थी लेकिन वायरस में उसने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, क्योंकि वो वायरस भी थ्रिप्स की वजह से फैला था और हमारे करेला में भी वायरस थ्रिप्स की वजह से ही आता है, यही एक महत्वपूर्ण कारण है और इसी की वजह से फैलता है। उसमें माइट्स, सफ़ेद मच्छर और थ्रिप्स तीनों की दवाई सम्मिलित है। तो अगर आप चाहें तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन किसी से सलाह लेने के पश्चात। और बाकी जो दवाई है मैंने आपको बता दी है कि बेरिक्स कंट्रोल, कॉन्फिडोर और एक हो गई हमारी टाइची। अब आपको बता देता हूँ कि ये जो पत्ते आपके सामने दिख रहे हैं ये तो हमारे हो गए नॉर्मल, यानी कि हम वायरस को कैसे पहचाने। तो ये जो पत्ते हैं ये नॉर्मल पत्ते हैं, मतलब कि ये बिल्कुल क्लियर है, अभी तक हमारे पौधे में कोई भी वायरस ने इफेक्ट नहीं डाला है। और अब ये जो पत्ते आपको दिख रहे हैं जब इन पर खुरदुरापन आने लग जाए और जब ये पत्ते ऊपर की साइड मुड़ने लग जाए और पीले होने लग जाए तो समझ जाएगा कि वायरस अपना प्रभाव दिखाने लग गया है। तब हमें क्या करना है शुरुआती समय में कि जो दवाई है उनका तो छिड़काव करें ही सही, बाकी जो बहुत से कम ऐसे पौधे रहेंगे जिन पर वायरस रहेगा तो उनको निकाल कर या कट कर कर किसी गड्ढे में डाल दे ताकि वायरस कम से कम फैले। तो यही था आज की वीडियो में। अगर आपको अपने करेले की खेती को बचाना है तो इन दवाइयों का यूज़ ज़रूर करें क्योंकि बहुत ही अच्छा इफेक्ट आपको मिलने वाला है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही जानकारी के साथ। YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को शेयर करना भी ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय जवान जय किसान। धन्यवाद।